VFX बहुत अच्छा लगा मेरे को, VFX और थॉर का एक्टिंग, कैप्टन अमेरिका का एक्टिंग, ये लोग का एक्टिंग बहुत अच्छा है। ऐसा फिल्म ज़रूर आना चाहिए आजकल के जनरेशन पे। और आई एम फ्रॉम VFX बैकग्राउंड, सो तो आई लव दिस मूवी, या इट विल बी। आउट ऑफ 5 स्टार्स, 4.5। फिल्म वॉज गुड, वॉज बियॉन्ड गुड, एपिक। अभी तक ऐसा सिनेमा हमने देखा नहीं है। लोग ये स्टोरी पिछले 10 साल से फॉलो कर रहे हैं। 2008 में पहली फिल्म आई थी, हम लोग वो फिल्म्स को हमारी लाइफ से बेटर जानते हैं। जो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो लोग, हम उनके साथ जी रहे हैं अभी। सो इट्स द एंड, मार्वल सागा का एंड फिल्म है जिसमें सारे एवेंजर्स आए थे साथ में। तो ग्राफिक्स आर लाइक बियॉन्ड, अभी तक ऐसा ग्राफिक कुछ बना नहीं है। अभी तक इंडियन कोई भी फिल्म ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस नहीं देखा होगा। मेरे कोई भी पहचान वाले दोस्त ने सुबह 5 बजे की टिकटें बुक नहीं की है। ओह 6 इन्फिनिटी वॉर से स्टोरी को बढ़ाया उन्होंने, मतलब इट वॉज रियली गुड। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है ना इसमें, तो इट वॉज ह्यूमंगस। आई मीन द मूवी वॉज रियली बिग। म्यूजिक वॉज गुड, आई मीन वी डिड नॉट फोकस मच ऑन इट आई सपोज, बट काफ़ी अच्छा था। आई मीन लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, लॉट ऑफ गुड कैरेक्टर्स, लॉट ऑफ वी लाफ्ड लॉट, लॉट ऑफ इमोशनल कॉन्टेंट एज वेल, सो इट वॉज अ मिक्सचर। ऑर्डर ऑफ 5 स्टार्स, 4 One time was to time watch. I'll watch it again. Larger than life तो पहले से ही था। यहाँ पे थोड़ा expectation लोगों के हिसाब से ज़्यादा है, वो उस हिसाब से उन्होंने सेट नहीं कर पाया है। बट मूवी इज़ अ गुड वॉच, डेफिनेटली आपको सारे कॉन्टेंट मिल जाएंगे, आप हंसोगे, रोओगे, एक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सारे एवेंजर्स को उन्होंने प्रॉपरली लोकेट किया है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। स्टोरी लाइन थोड़ा बिल्डअप है, स्लो है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो है, बट यू विल गेट इन दैट फील कि हाँ की स्टोरी बिल्डअप किया जा रहा है। सो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली उतना हाई नहीं है, बट वर्दी है, मतलब वॉच वर्दी है। व्हाट द ग्रेटेस्ट USP कैप्टन अमेरिका है, एज इन उन लोग बाइंड कर रहे हैं, बट कैप्टन अमेरिका के एक पोर्शन है जहाँ पे लोग ताली बजाएंगे, एंड वो पूरे मूवी को एक एक पॉइंट तक लेकर जाता है। जहाँ पर लोग सोच रहे थे कि हाँ ये उस लेवल तक नहीं है, वही एक पोर्शन है जहाँ पे लोग उसको डेफिनेटली देख के बोलेंगे आई विल गिव मोर पॉइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर सीन ओनली। सो कैप्टन अमेरिका का एक सीन है, सो दैट्स क्लियर। ये मूवी में तो इन्फ्लुएंस तो कैप्टन अमेरिका ने ही किया है, द काइंड ऑफ पंच लाइन ही थ्रोज इन, नॉट पंच लाइन, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ कॉमिक, बट इट्स मोर इन टू एडमिरेशन एंड मोटिवेशन। सो वो मोटिवेशनल फैक्टर उसका था और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। तो बड़ी टू का 5 आई गिवन 4 VFX एंड इमोशनल कंटेंट ऑफ द स्टोरी। एंड व्हाट अबाउट द कैरेक्टर्स? आई शुडंट स्पॉइल इट फॉर यू गाइस, आई शुडंट इवन से हु ऑल आर देयर, बट यू शुड कम एंड वॉच इट। द कैरेक्टर्स लाइक यू शुड हैव वॉच इट ऑल द 21 मूवीज एट वंस टू कम एंड वॉच द एंड गेम। इट्स ऑल कनेक्टेड, द स्कोर एंड द VFX, इट्स रिफ्लेक्टिव बिकॉज दे हैव डन इट, यू कैन फील इट, and all the superheroes are there at once, the female characters and the male characters, so you will know it, the music is actually good.